गुड बाय फॉर एवर डैंड्रफ एंड वी आर रियली टायर्ड ऑफ डैंड डैंड्रफ। आजकल सबको ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉमन है डैंड्रफ यार। तो उसके हटाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कितने टाइप के डैंड्रफ होते हैं। फर्स्ट इज व्हाइट फ्लेक्स। व्हाइट फ्लेक्स आप सबको पता है, ये डैंड्रफ की तरह फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं जो आपके स्कैल्प से निकलते हैं। सेकेंड होता है और एक डर्माटाइटिस। लाइक गाइज, इट्स हाई टाइम यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर अगर आपको ये है। इसमें क्या होता है, आपकी थोड़ी रेडनेस होती है और डैंड्रफ होता है और आपके स्कैल्प में इचिंग होती है। तो इट्स टाइम टू नॉट टू वॉच दिस वीडियो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन होती है डैंड्रफ की और ये बहुत बुरी प्रॉब्लम होती है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज हेयर केयर मिस्टेक्स। हम क्या क्या हेयर केयर मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारे स्कैल्प और डैमेज होती है और डैंड्रफ उसमें प्रोड्यूस होता है। टू मच ऑयलिंग, टू मच शैम्पूइंग, टू मच कंडीशनिंग, या बहुत ही कम शैम्पू लगाते हैं, बहुत ही कम ऑयलिंग करते हैं, या बहुत ही कम कंडीशनर यूज करते हैं, तो इन चीज़ों से भी डैंड्रफ बनता है बालों में। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 to 3 days इन अ वीक शैम्पू करना है, 2 to 3 days इन अ वीक ऑयलिंग करनी है, दैट्स इट। उससे ना कम ना उससे ज़्यादा हमें ऑयलिंग या शैम्पू करना है, ना उससे ज़्यादा कंडीशनर लगाना है, ना उससे कम कंडीशनर लगाना है। तो एटलीस्ट 2 to 3 days इन अ वीक आपको शैम्पू करना है, ऑयल करना है, कंडीशन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप एक्सेस शैम्पू यूज़ करोगे ना बालों में, तो आपके बालों में जो भी ऑयल होता है जो आपको लेयर को स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, वो सारा वॉश अवे हो जाएगा और आपकी स्कैल्प, वो जो भी आपकी स्कैल्प होगी वो प्रोटेक्शन लेस हो जाएगी और उससे डैंड्रफ प्रोड्यूस होगा। क्या होता है, व्हेन वी यूज ऑयल अ स्कैल्प इज ऑलरेडी ड्राई। कुछ लोगों की स्कैल्प ड्राई होती है, कुछ लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है। तो हम ज़्यादा ऑयल लाएंगे तो और डैंड्रफ होगा, और जिसकी ड्राई और वो ऑयलिंग करेगा 2 से 3 दिन हफ्ते में, उसको नेसेसरी ऑयल मिलेगा स्कैल्प को, उससे डैंड्रफ कम होगा। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट यूजिंग हेयर प्रोडक्ट्स इन अ करेक्ट मैनर। और हमें ना स्कैल्प में हेयर प्रोडक्ट्स नहीं लगाना, सिर्फ इन टिप्स पे हेयर प्रोडक्ट्स लगाना है, ऊपर ऊपर हेयर प्रोडक्ट लगाने हैं। कभी भी स्कैल्प में हेयर प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, उससे डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है। उसमें कुछ ऐसे सल्फेट्स होते हैं, पैराबिन्स होते हैं, जो हमारे स्कैल्प को इफेक्ट करते हैं और डैंड्रफ प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें एक राइट तरीका ढूंढना है हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने का। आजकल बहुत नेसेसिटी हो गया हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना, मैं समझ सकता हूँ, बट अच्छे से यूज़ करो, सही तरीके से यूज़ करो। तो स्कैल्प पे मत लगने दो, सिर्फ ऊपर ऊपर बालों में लगने दो। यार जब भी आप हेयर प्रोडक्ट लगाते हो, जैसे आप पार्टी में गए शाम को और उस हेयर प्रोडक्ट के साथ रात को आके सो मत, डोंट स्लीप विद दैट हेयर प्रोडक्ट इन योर हेयर, वॉश इट अवे, उसी टाइम वॉश करो और फिर सो। अगर वो ओवरनाइट आपके बालों में प्रोडक्ट रहेगा ना, तो आपके बालों को बहुत नुकसान करने वाला है और उससे डैंड्रफ डेफिनेटली प्रोड्यूस होने वाला है। थर्ड पॉइंट, वॉश योर हेड गियर्स। हेड गियर्स इन द सेंस आपका पिलो कवर, आपका ब्रश, ठीक है, या आप कोई भी चीज़ जो हेयर से हेयर के कॉन्टैक्ट में है, उसे एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धो और फिर यूज़ करो, ठीक। फोर्थ पॉइंट है यार होम रेमेडीज। होम रेमेडीज आर बेस्ट, ठीक। सबसे पहली होम रेमेडी, एप्पल साइडर विनेगर लेना है आपको, क्या करना है, ठीक है, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लो, गर्म पानी लो, उसे मिक्स करो, कॉटन को उसमें मिक्स करो और अपने बालों में लगाओ, ठीक है, तो इससे डैंड्रफ कम होगा आपका। सेकंड, यू कैन यूज लेमन। लेमन का जूस निकालो, लेमन के जूस को कॉटन में लो और उसे अपने स्कैल्प में लगाओ, रब करो और ओवरनाइट छोड़ दो। साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रेमेडी टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ। एप्पल साइडर विनेगर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके स्कैल्प में डेड सेल्स होते हैं ना, उन्हें हटाती है और डैंड्रफ कम करती है। जूस, लेमन जूस निकाल सकते हो, उसे बालों में लगा सकते हो, उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेड सेल हटाती हैं और डैंड्रफ कम करती हैं। सो दीज आर द फ्यू रेमेडीज दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल प्रद्युमन कौशिक। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। टाटा।